दादी मिली मुझे बहुत खुश है यार, मेरे को बोली पानी पी ले बेटा, तो मेरे को पानी है मिला, तो मैंने कहा दादी बोली बहुत ठंडा पानी पानी पी के जाओ, तो अभी है यार बहुत, मतलब पहाड़ के लोग ना मिलते बहुत अच्छे होते हैं। ठंडा तो बहुत ही भयंकर हो रखा है अभी से ही हाल है, तो रात को तो कितना ठंडा होगा। सुनने में आ रहा है कि यहाँ के सारे होटल सारे कैंप सब बिजी हो रखे, सब बुकिंग हो रखे हैं। हम फिर भी एक उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही जाएगा। और आपको मैं चंद्रशिला टॉप दिखाता हूँ, उधर देखो वो है चंद्रशिला टॉप, कल हम जाएंगे वहीं पर उस टॉप में, वहीं मिलते हैं आपको कल। आज के लिए जहाँ तक भी पहुँच पाएंगे वो वहाँ तक के लिए आज का दिखाएंगे, बाकी का देखो इस ब्लॉग के जितने भी पार्ट आएंगे ना सारे पार्ट नहीं ना सारे ही मज़ेदार आने वाले हैं, और उसको देख करके तो दिल जहाँ उसको देख करके दिल में एक अलग सी तसल्ली जाग गई है देख करके, मतलब मौसम देखो यार A1 जाम देख सकते हो कितना भयंकर जाम लगा हुआ है, तो ये भयंकर ही जाम लगा हुआ, नीचे बहुत नीचे से जाम है ना आज खतरनाक, इसी दिन को हमने भी चूज़ करा फंस गए आज, पैदल जाने के लिए भी जगह नहीं है। ये देख सकते हो नीचे तो बहुत भयंकर जाम है, ऊपर भी जाम ही जाम है, वो ट्रैक वाला रास्ता है, ये कैंपिंग लगी हुई है, और देहरादून से सुबह 5 बजे चले थे, शाम के 6 बज चुके हैं, 13 घंटे का सफ़र ख़त्म हो चुका है, उसके बाद भी अभी तक हम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचे जस्ट बिकॉज रास्ता बहुत लंबा ऊपर से जाम, देखते हैं कितना टाइम लगता है। फाइनली कितने घंटे चले हम, 13.5 घंटे चलने के बाद सारे होटल सारे कैंप फुल होने के बाद हमें एक मिला छोटा सा आसियाना जहाँ पे आज हम चंद घंटों की रात बिताएंगे और सुबह हम अपना ट्रैक शुरू कर देंगे, तो मिलते हैं आपको सुबह वहीं पर, और रात का अगर कुछ शूट हो पाता कुछ अच्छे व्यूज मिल पाते इधर उधर के तो वो भी डाल दूंगा, तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में आगे। गाइस मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट सुबह के ना 2:30 बज रहे हैं और मैं ना यहाँ का व्यू दिखाता हूँ चोपता का जहाँ पे मैं अभी हूँ 2:30 बजे सुबह, ठीक है, वो काला सा पहाड़ पहले तो, उसके बाद ना अब ये देखो गाइस, आय हाय ये देखो, मतलब कि एक और क्या बोलूँ मैं, जन्नती है स्वर्ग है स्वर्ग, ये देखो गाइस,
बज रहे हैं 4:15 यानी कि 3:30 बजे हम तैयार हो गए सुबह के तुंगनाथ में, ठीक है। और ये मौसम चेक करो यार, कितना बेस्ट मौसम हो रखा है, ये देखो ऊपर का। और ये रहे हम लोग, अब तैयार हो चुके हैं सब कुछ, अब हम जा रहे हैं। और चाबी गाड़ी निकाल, फिर हम आपको रास्ते में मिलते हैं सफ़र में, ठीक है, टाटा बाय बाय। चलो फाइनली हम आवासीय जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे पता नहीं शक्ल तो दिख रही है नहीं दिख रही है, बट यार रास्ता भयंकर खतरनाक हो रखा है। और चल रहे शंभुनाथ का नाम लेकर के, ओ हर हर महादेव। तो गाइस कैमरे में शक्ल तो नहीं देखेगी बट यहाँ का वातावरण महसूस करो, हाँ क्या ही स्वर्ग है, वाह वाह। बढ़िया है, ओ हाय हाय हाय, हर हर महादेव, जय कालुका काल त्रिकाल महाकाल, जय शंभुनाथ, ओम शिव ओम शंकराय। चलो बाकी बाद में मिलेंगे हम महादेव से, सिला के जो हवा चल रही है ना, स्वर्ग से हवा फील करो इस हवा, जय चेक दिस आउट मैन, मतलब स्वर्ग है स्वर्ग। और इस स्वर्ग का आनंद लेने का मौका आज मिल ही रखा है, अभी थोड़ा सा और रह गया, हिम्मत करके चल रहा हूँ, मिलते हैं टॉप में। फाइनली देखो सनराइज देखने कितने लोग ये पूरा से, अब देखो गाइस चेक दिस आउट, हाँ पहुंच गए स्वर्ग गाइस, फाइनली सनराइज पीछे होने वाला है। एक और चीज, डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी, डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर
मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रखे। फाइनली सुबह पहुंचने के बाद सनराइज देखने के बाद अब हम वापस नीचे जा रहे हैं मंदिर की तरफ तुंगनाथ के दर्शन करने के लिए। सुबह नहीं कर पाया था, गेट नहीं खुला था, तो हम सीधा चंद्रशिला आ गए थे सनराइज देखने के लिए, जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और यहाँ स्वर्ग जैसा फील लेते हुए आए, हाय इतनी खुशी, मस्त। और एक चीज दिखो बढ़िया से, वो नीचे उड़ रहा है, उसको ऊपर उड़ना चाहिए, वो नीचे उड़ रहा है, ऐसा नहीं है। आज हम ऊपर है, वो अपनी जगह पर उड़ रहा है। हाय हाय, चेक दिस आउट मैन, वाह वाह। और सामने जो ये दिख रही है जन्नत, क्या ही कहे। देखो सब धीरे धीरे उतर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ओस गिरी हुई है, ऊपर से बारिश भी हल्की फुल्की गिर रही है, तो फिसलन हो रखी है। बट अब हम जा रहे हैं तुंगनाथ मंदिर, सुबह बंद था और हम ये सब उतर करके आ रहे हैं नीचे नीचे। ये भी है जय श्री केदार। वहाँ पे है मंदिर, तो अभी दर्शन करते हैं हम, फिर मिलते हैं आपको। चेक दिस आउट, यहाँ पे है मंदिर तुंगनाथ का, और हम ऊपर से चंद्रशिला का ट्रैक करते हुए आ रहे हैं। फाइनली अब हम मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर हम निकलेंगे नीचे देहरादून की तरफ। बहुत लेट हो जाएंगे, कल हमने पूरा 14 घंटे का सफ़र करने के बाद पहुँच पाए थे, आज तो पता नहीं क्या ही होने वाला है। और धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो चुकी है, अगर स्नोफॉल शुरू हो जाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन स्नोफॉल ग्लेशियर में शुरू हो रखा है, यहाँ नहीं, यहाँ भी हो जाएगा कुछ दिन में, लेकिन तब हम यहाँ आ नहीं पाएंगे ट्रैक करने, क्योंकि ये पूरा ना पहाड़ बर्फ़ से ढक जाता है। तो फिलहाल जो मौका मिला कर लिया, अच्छा था, बढ़िया एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया। मिलते हैं अब आपको मंदिर में, ठीक है। ये चेक करो गाइस, एंड दिस वन, ये ठीक है, जो ये पूरा नीचे दिख रहा है, एंड जो ये दिख रहा, अरे भयंकर। इग्नोर यहाँ के नजारों के मजे लो। भोले नाथ भोले नाथ, भोले नाथ,
ये देखो इन्हें ये चढ़ने के लिए उतरने के लिए इन्हें ऐसी आफत आ रखी है कि पूछो मत भगवान। मना है सब चढ़ना, सब मना है। दिखाऊं तुझे वहाँ कितने बोर्ड लगे हैं जगह जगह रास्ते में। तो चलिए यार, हमारा तुंगनाथ का टेंपल का ट्रैक भी पूरा हो चुका है, दर्शन हो चुके हैं तुंगनाथ के। अब हम चलते हैं वापस देहरादून के लिए। लेकिन यार नज़ारे जो हमें मिले हैं ना, A1 नज़ारे मिले, और जो दिल को सुकून, स्वर्ग से जो हवा आती है उसका फील जो हमने आज लिया है ना, क्या ही बताओ मैं। अब कभी आप लोगों को मौका लगे तो ज़रूर आना यार, बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा ट्रैक है, बट थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आप लोग चलोगे तो पहुंच जाओगे टाइम से। हम लोग पहुंच गए थे चंद्रशिला, मैं पहुंच गया था 6 बजे। तो हम पहुंचे थे, ये बोर्ड देख, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है पढ़ ले, पढ़ जाके। एक सबूत दूं कि आई एम इन स्वर्ग, देखो रियली आई एम इन स्वर्ग बेटा। गजब यार, मतलब A1 तगड़ा, जो मजा आ रहा है ना, आए हाय आए हाय, इतना सुकून इतना सुकून, हाय हाय। अब देखो सब कोहरा लग चुका है चारों तरफ। तो तुंगनाथ का ट्रैक बहुत 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 ही ज़्यादा कठिन है, और उससे भी कठिन है हमारा चंद्रशिला का ट्रैक। और हम दोनों ही ट्रैक करके वापस जा रहे हैं, और वापसी में हमने शॉर्टकट रास्ते अपनाए हैं जो कि बहुत ही डेंजर है। तो आप लोग भी अगर इन्हें अपनाएं तो संभल के पैर रखें। हम लोगों को आदत है पहाड़ों में चलने की, तो हम इतना अनाड़ियों की तरह नहीं चलते, लेकिन जो लोग पहाड़ से नहीं है अगर वो यहाँ आए तो अच्छे से चले। तो यार देखो एक और चीज़ है ये यार, कहीं पर भी जाओ ना, ऊपर भी मैंने देखा चंद्रशिला के पास भी लोगों ने ना कचरा फेंक रखा था, और प्लस यहाँ पे तुंगनाथ से नीचे आते हुए मंदिर में भी कचरा फेंक रखा था। तो यार आप सभी लोगों से एक निवेदन है यार, ट्रैक करने आते हो अच्छी जगह पर, धार्मिक स्थलों में, कहीं पर भी धार्मिक स्थल नहीं भी हो तो यार ऐसा कचरा मत करके जाया करो, नेचर को स्पॉइल मत करा करो, ये सब अच्छा नहीं लगता है, मत करा करो, अपना कचरा अपने साथ लेके जाया करो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। और एक और चीज़ है यार, तुंगनाथ का ट्रैक मैंने जो करा है जितना कठिन है ना, उसके बाद जैसे ही आप लोग मंदिर तक पहुंचते हो ना, उसके बाद मंदिर जैसे दिख जाता है, जो हवा चलती है और जो मतलब एनर्जी मिलती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की है, नेक्स्ट लेवल की। एक बार करके देखो, बहुत ही बढ़िया ट्रैक है। लगे हाथ देवप्रयाग में गंगा का संगम भी देखने को मिल चुका है, और कंप्लीट होती है। अब हम वापस जा रहे हैं देहरादून की तरफ।